दोस्तों गवर्नमेंट ने खास करके युवाओं के लिए एक नया पोर्टल को लॉन्च कर दिया है अगर आप दोस्तों बेरोजगार हैं आपके पास कोई भी रोजगार नहीं है आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ऐसे में दोस्तों आप इस पोर्टल से आसानी से गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं यहाँ तक कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम और योजनाएं आती है ना उसका भी दोस्तों आप आसानी से इसी एक पोर्टल से लाभ ले सकते हैं यानी कि सब कुछ को दोस्तों इसी एक पोर्टल पर ला दिया गया है जहां पर बस आप रजिस्ट्रेशन करके आसानी से दोस्तों सभी चीजों का बेनिफिट उठा सकते हैं सभी चीजों का लाभ उठा सकते हैं तो कौन सा ये नया पोर्टल

ये लिखकर सर्च करेंगे तो पहला जो लिंक आएगा युवा साथी का इसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे युवा साथी पोर्टल इस प्रकार से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा गवर्नमेंट ने दोस्तों इसी नए पोर्टल को लॉन्च किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्निंग के साथ लर्निंग रुकना नहीं चाहिए आज दुनिया में स्किल की इतनी डिमांड है कि जो स्किल्ड होगा वही आगे बढ़ेगा यह बात हर किसी पर लागू होती है यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर मतलब कि मेंशन कर दिया गया है लिख दिया गया है एक क्वेट्स के हिसाब से ठीक है नीचे यहाँ पर देखेंगे तो पचास हजार से ज्यादा लोगों ने इस पोर्टल पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर लिया जबकि नया नया ये लॉन्च हुआ है कुल यहाँ पर तीन योजनाएं हैं भाई तीन कम नहीं होती और जो स्टूडेंट है उनके लिए दोस्तों यहाँ पर पचासी से ज्यादा योजनाएं जो है लिस्टेड की गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर योजनाओं का पूरा का पूरा कैटेगरी दिया है जिसमें दोस्तों आप पूरा कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा है उसके साथ साथ व्यापार हो गया आप यहाँ पर देख लीजिए कौशल विकास हो गया खेल और संस्कृति हो गया आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं है ना उसके साथ साथ रोजगार सबसे बड़ा यहाँ पर दिया गया है रोजगार आधिकारिकता दिया गया है और भी मतलब कि बहुत सारे जो है यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है जिसके हिसाब से आप यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं अब इस पोर्टल पर कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मैं बता देता हूँ उसके लिए दोस्तों आपको पंजीयन करी के ऊपर क्लिक कर देना होगा इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है उसके बाद प्रमाणित करे के ऊपर आपको क्लिक कर देना है अब आपके मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक ओ आएगा वह ओ आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है ठीक है उसके बाद आपका जो पूरा नाम है उसे आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है फिर आप किस लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर एजुकेशन या फिर स्कॉलरशिप हो गया बिजनेस हो गया ठीक है स्किल डेवलपमेंट हो गया स्पोर्ट्स एंड कल्चर हो गया उसके साथ साथ अगर आप रोजगार के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से ठीक है यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट कर लेना है जिसके बाद दोस्तों वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर डाल के कन्फर्म कर लेना है ठीक है उसके बाद वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है एक बार दोस्तों यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लॉग करना है लॉग करने के लिए दोस्तों आपको सिंपल सा काम करना है ऊपर लॉग के बटन पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इस पोर्टल पर दोस्तों लॉगिन हो जाना है उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले स्कीम का कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है किस स्कीम के लिए आप यहाँ पर जो है सर्च कर रहे हैं तो जैसे कि हम यहाँ पर एक कोई भी जो है ले, ले लेते हैं बिजनेस से रिलेटेड ही ले, ले लेते हैं अब यहाँ पर गवर्नमेंट आपको सिलेक्ट करना है स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए तो यहाँ पर चलिए दोस्तों हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं अब यहाँ पर डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है किस डिपार्टमेंट का दोस्तों आपको जो है स्कीम चाहिए यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए उसके बाद आपको सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर दोस्तों सभी जो है स्कीम खुलकर आ जाएंगे जितने भी होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं अब सिंपल सा काम आपको करना है इसके बारे में जानने के लिए आपको ये एरो के ऊपर क्लिक करना है अब यहाँ पर पूरा डिटेल दोस्तों आपको इस स्कीम का देखने को मिल जाएगा जिससे आप हिंदी में अच्छे से पढ़ सकते हैं नीचे दोस्तों आपको इस स्कीम का पूरा का पूरा बेनिफिट यानी कि लाभ दिया गया है जिससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपको लाभ मिलेगा इस स्कीम में उसके साथ नीचे आएंगे तो पात्रता बताया गया है कि इस स्कीम के लिए कौन कौन

तो यहां पर आपको रोजगार सेलेक्ट कर लेना है योजना की श्रेणी में ठीक है यहां पर सरकार सेलेक्ट करना है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जिस भी गवर्नमेंट के जरिए आप रोजगार पाना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर दोस्तों विभाग आपको सेलेक्ट कर लेना है ठीक है किस विभाग के मीन्स किस विभाग के अंदर दोस्तों आप रोजगार पाना चाहते हैं उसके बाद आपको खोजिए के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पर दोस्तों आपको सभी स्कीम देखने को मिल जाएंगे अब इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है एरो के ऊपर क्लिक कर देना है जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर उस स्कीम से रिलेटेड पूरी डिटेल ओपन हो जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं पाँच हजार रुपए का जो है मासिक सैलरी दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है अठारह वर्ष से उन स वर्ष के बीच के लोग जो है इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं उनको जॉब मिल जाएगा और यहाँ पर लाभ के बारे में बताया गया है ठीक है नीचे पात्रता बताया गया है आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है मीन्स पूरा डिटेल दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं है ना इसे हिंदी में दोस्तों आप आसानी से रीड आउट भी कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आवेदन करे का जो है बटन भी दिया गया है इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं तो ये दोस्तों युवा साथी पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है जिस पोर्टल पर दोस्तों आपको तीन से ज़्यादा योजनाएँ देखने को मिल जाएंगी और यह पोर्टल खास करके युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है जो बेरोजगार हैं जो स्किल पाना चाहते हैं या फिर जॉब पाना चाहते हैं तो इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू दोस्तों बाय बाय टेक केयर